राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ बीएसपी के उम्मीदवारों की भी घोषणा लगातार हो रही है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने इस बार किसी भी तरह से समझौता नहीं करने का ऐलान किया था। यही कारण है कि राजस्थान में कई सीटों पर बीएसपी उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इस बार चर्चित आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी को बाड़मेर से बीएसपी का टिकट दिया गया है। वहीं उनकी पत्नी मुकुल पंकज चौधरी जोधपुर से बसपा के ही टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। इसी तरह पूर्व आईएएस अधिकारी उमराव सालोदिया को जयपुर लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। ये अपने प्रमोशन को लेकर चर्चा में रहे थे और मुस्लिम धर्म ग्रहण करने की बात भी इन्होंने कही थी। जालौर से भागीरथ बिश्नोई, पाली से शिवाराम मेघवाल और चित्तौड़ से डॉक्टर जगदीश शर्मा को मैदान में उतारा गया है। माना जा रहा है कि बाड़मेर और जोधपुर में पंकज चौधरी और उनकी पत्नी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। वहीं जयपुर में भी सालोदिया एससी वर्ग के वोट खराब कर सकते हैं। कहीं भी बसपा के उम्मीदवार चुनाव जीतने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन किसी न किसी जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।